Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to revise the entire unit of the instruments of trade policy. See, instruments of trade policy ye chalu kiya tha humne is chapter mein, the international trade. This is the fourth chapter of economics for finance and fourth chapter mein 5 unit hai. 5 unit mein humne pehla unit theories of international trade dekh chuke hain. Uske baad ye second unit humne abhi dekha tha, instruments of trade policy. So what are the total, what is the index of this instruments of trade policy? चार चीज़ें मैंने आपको बताई है उसके अंदर में. उसके पहले अच्छा इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने आपको चार एग्जांपल दिए थे, चार न्यूज़पेपर की एक एग्जांपल बताई थी, बताया था कि एक कैसे स्टील के बिजनेस पे यूरोपियन कमीशन ने चाइना से आने वाले स्टील पे बैन लगा दिया था. उसके बाद ये एक एग्जांपल देखा था हमने. Days after President Trump hiked tariffs on steel and aluminium, affecting Indian businesses, India has hit back. In a retaliatory measure, New Delhi has increased duties on a variety of products imported from the US. So, India has increased duties on variety of products imported from the US. So, US से भी जो import किया जाता है, वो भी उस पे हमने, इंडिया ने क्या किया? ड्यूटीज बढ़ा दी. क्यों? क्योंकि यूएस ने हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले या इंडिया से आने वाले माल पे ड्यूटीज बढ़ाई थी, स्टील एंड ऑल दैट पे बैन लगाया था, तो इस तरह से या सॉरी ड्यूटीज बढ़ा दी, तो इसी तरह से हमने भी मेजर किया. अच्छा, उसके बाद में इंडिया ने भी एक्यूज किया था कि भैया जो हमारे यहाँ से शिप का श्रिम्प का कंसाइनमेंट होता है वो 50% तक का चेक किया जाएगा सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के लिए. तो ये भी एक मुद्दा उठाया था इंडिया ने कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. उसके बाद मैंने मेक इन इंडिया के लिए बोला था कि भैया इंडिया ने डिसाइड किया था कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को, डोमेस्टिक परचेसर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, प्रोड्यूसर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनसे पहले माल खरीदा जाएगा, बाहर वालों से नहीं. सो दिस इज़ जस्ट टू इनकरेज द मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट. सो ये सारे मैंने आपको एग्जांपल बताए थे और उसके बाद में इससे ये चीज़ क्या निकला था कि फ्री ट्रेड कहाँ है, कहाँ है फ्री ट्रेड. जो हमने पहले वाला यूनिट देखा था उसमें बहुत फ्री ट्रेड की बातें की थी और बहुत सारी थेरीज देखी थी कि ये थेरी होती है, वो थेरी होती है, कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, हेक्शर रोलिन मॉडल भी देखा था कि किस तरह से लेबर इंटेंसिव, लेबर अबंडेंट कंट्री ने लेबर वाले प्रोडक्ट्स भेजना चाहिए, कैपिटल अबंडेंट कंट्री ने कैपिटल वाले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहिए. लेकिन वो सब यहाँ पे प्रैक्टिकली होता कहाँ है? नहीं. सो यहाँ पे लगते हैं रिस्ट्रिक्शंस. तो हमने डिसाइड किया था कि भैया कि ये कैसे कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कंट्रीज यूज़ करती है ताकि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सकता है. हर कंट्री क्या करती है, जो तीन चार एग्जांपल मैंने बताए या फिर आप पेपर में भी देख लो, इंटरनेशनल न्यूज़ जब आप सुनोगे तो आपको ये सुनने में आएगा कि इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, ड्यूटीज़ लगाई जा रही है, ड्यूटीज़ बढ़ा दी जा रही है, किसी इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जा रहा है. सो कोई भी कंट्री ये चाहती है कि इंपोर्ट कम से कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम से कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो. सो ये सब चीज़ें करने के लिए गवर्नमेंट और कंट्री करती क्या है, कंट्री कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है, एंड दिस इज व्हाट द एंटायर यूनिट इज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी. सो तीन चार चीज़ें थी जो कि हमने देखी. दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टैरिफ मेजर्स और नॉन टैरिफ मेजर्स. सो टैरिफ मेजर्स एंड नॉन टैरिफ मेजर ये कवर होंगे हमारे पूरे इंडेक्स में. ये पहला वाला यूनिट था इंट्रोडक्शन का जो कि हमने अभी अभी कंप्लीट किया. टैरिफ मेजर्स आर द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. हमने जो देखा था टैरिफ मेजर में, अगर आपको याद होगा तो टैरिफ मेजर्स क्या है, टैरिफ मेजर्स और कुछ नहीं, एक तरह से कस्टम ड्यूटी है. जो भी माल इंडिया में आएगा उसके ऊपर में ये परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा, ये अमाउंट ऑफ टैक्स लगेगा कस्टम ड्यूटी, ताकि उसकी कॉस्टिंग बढ़ा दी जाए. 100 रुपये का माल आया, 25% ड्यूटी लगा दी तो 125 रुपये बन गया. डोमेस्टिक में भी वो 120 125 में बिकता था, अब यहाँ पे भी 125 का हो गया. सेम प्रोडक्ट जो कि बाहर से मंगाया गया है, दिस इज टैरिफ, जो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट की परचेज प्राइस को हिट करता है. टैरिफ के अंदर में हमने देखा था दो तरह के टैरिफ्स होते हैं, फॉर्म्स दो तरह के होते हैं, वेरिएशन 14 तरह के होते हैं और इफेक्ट 7 तरह के होते हैं. तो ये जो दो फॉर्म हम देखेंगे उसके बाद उसके 14 अलग अलग वेरिएशन देखेंगे. व्हाट आर द टू फॉर्म्स? एक होता है स्पेसिफिक टैरिफ, एक होता है एड वैलोरम टैरिफ. स्पेसिफिक टैरिफ में आपका क्या होता है कि जो भी माल आप मंगाते हो उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैरिफ लगा देते हो कि एक कार मंगाई तो 10,000 रुपये या 1,00,000 रुपये का टैरिफ लगेगा. अब वो कार की वैल्यू कितनी भी हो, हमने एग्जाम्पल लिया था साइकिल का, अगर आपको याद है तो 5,000 की अगर आप साइकिल मंगाते हो और स्पेसिफिक टैरिफ 1,000 रुपये का, टोटल कॉस्ट साइकिल की 6,000 बढ़ जाएगी. अब वो साइकिल 10,000 हो या 12,000 की हो, आपका तो 1,000 रुपए ही टैरिफ लगना है क्योंकि ये स्पेसिफिक है, इस टैरिफ का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है. सो 11,000 रुपए. अब इस केस में क्या हो गया था, जब अगर प्राइस 5,000 की तो टैरिफ तकरीबन 20% तक लग रहा था. अब 10,000 के साइकिल होने के बाद में भी वो टैरिफ सेम ही अमाउंट का था तो परसेंटेज कम हो गया. तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि
हाई वैल्यूड गुड्स जो है उस पर टैरिफ बहुत कम हो जाता है। इसका रास्ता निकाला गया था एड वोलरम टैरिफ में। एड वोलरम टैरिफ में क्या होता है ना, स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि 100 रुपये लगेगा, उसमें परसेंटेज लगाया जाता है कि जितने के गुड्स है, 10,000 के गुड्स है, देखो साइकिल के केस में अब मैं अगर एड वोलरम 20% लगाऊँ तो 5,000 पे 20% 1,000 रुपये लगेगा और 10,000 पे 20% 2,000 लगेगा। अब आप वॉल्यूम वैल्यू जो है कितने भी गुड्स की, कार महंगी लाओगे तो ज़्यादा टैरिफ पे करना पड़ेगा। इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी स्पेसिफिक ड्यूटी वाली, लेकिन एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। तो जानबूझ के इनवॉइसेस की वैल्यू कम बेचते थे लोग। इंपोर्ट जब होता था तो इनवॉइस की वैल्यू, मतलब ये साइकिल को ऐसा दिखाया जाता था कि 1,000 रुपये की साइकिल है, अब 1,000 रुपये पे 20% यानी 200 रुपये हो गया। अगर आपने इसकी इनवॉइस में वैल्यू 1,000 दिखाई और 200 ये हो गया, तो ये तो 1,200 रुपये का आपको, मतलब सिर्फ 200 रुपये का आपको ये पड़ेगा। भले ही आपने अलग से जब पेमेंट किया था तो आपने अलग से 5,000 रुपये उसका पे किया होगा, लेकिन इनवॉइस तो कागज़ का पेपर, मतलब सॉरी कागज का पेपर बोलता हूँ, कागज का एक टुकड़ा है इनवॉइस, उसमें आपने 1,000 रुपये का बता दिया उसको, तो ड्यूटी कम लग गई। तो एक ये भी होता है, बट फिर भी एड वैलोरम टैरिफ एक ऐसी चीज़ है जो कि मैक्सिमम यूज़ की जाती है पूरे वर्ल्ड में। ओके, सो ये जो स्पेसिफिक टैरिफ और एड वैलोरम टैरिफ देखा था, इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके वेरिएशन है, 14 हमने वेरिएशन देखे थे। सो सबसे पहले था मिक्स्ड टैरिफ। मिक्स्ड टैरिफ में क्या होता है, मिक्स टैरिफ में ऐसा होता है कि कोई भी गुड्स जब इंपोर्ट किया जाता है तो या तो उस पर एड वैलोरम टैरिफ लगाया जाता है या तो उस पर स्पेसिफिक टैरिफ लगाया जाता है, जो भी उसमें से हाईएस्ट होगा वो कंसिडर किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लॉरी वाला एग्जांपल लिया था। सो उस पर अगर हम एड वैलोरम लगाए, 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी पे 5% अगर एड वैलोरम लगाओगे तो 50,000 रुपये की टैरिफ बनता है, और अगर स्पेसिफिक टैरिफ लगाओगे तो मान लो लेट से 40,000 का डिसाइड किया हुआ है कि एक लॉरी पे 40,000 का टैरिफ लगेगा, विच एवर इज हायर। अब इस केस में आप देखोगे तो एड वोलरम वाला हायर है, तो हमने 50,000 रुपये फिक्स कर दिया एड वोलरम पे। लेकिन अगर गाड़ी की कीमत 7 लाख रुपये होती तो 7 लाख पे 5% होता 35,000 रुपये, और स्पेसिफिक टैरिफ तो उतना ही रहेगा क्योंकि एक गाड़ी आई है 40,000 की, तो ऐसे टाइम पे स्पेसिफिक टैरिफ कंसिडर किया जाएगा विच एवर इज हायर। दिस इज वॉट द मिक्सड टैरिफ उज। कंपाउंड टैरिफ क्या होता है, कंपाउंड टैरिफ ये होता है कि जैसे जो भी गुड्स इंपोर्ट किया जाएगा उस पर एड वोलरम भी लगेगा और आपका ये भी लगेगा, स्पेसिफिक टैरिफ भी लगेगा। पिछले वाले इसमें क्या था कि दोनों में से एक लग रहा है, लेकिन इस वाले में क्या है, दोनों चीज़ें लगेगी। अब दोनों चीज़ें लगेगी तो मान लो आपने चीज़ मंगाया, चीज़ का आप ड्यूटी कैसे लगती है चीज़ पे कि 5% लगेगा ड्यूटी पे एड वैलोरम प्लस 100 रुपये पर किलोग्राम। सो 1 किलो अगर आपने मंगाया 500 रुपये का, तो 500 पे 5% 25 रुपये का तो आपका एड वॉलरम लग गया, और 100 रुपये हर केजी पे लगना ही है। सो टोटल मिला के ड्यूटी कितनी होगी, 125। अब अगर आप 2 किलो भी मंगाते हो तो 1,000 × 10% लग जाएगा, सॉरी 1,000 × 5% लगेगा और प्लस 200 हो जाएगा 100 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो ये हो गया 50 + 200 और ये हो गया 250। यानी कि दोनों चीज़ें इंश्योर कर ली गई कि कहीं प्राइस भी कम ना करें ये लोग और एक स्पेसिफिक भी मिनिमम हमको मिलता जाए। सो दिस इज कंपाउंड टैरिफ और ड्यूटी। उसके बाद हमने टेक्निकल और अदर टैरिफ पे बात की थी। टेक्निकल और अदर टैरिफ क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या लिया था हमने, सोलर पैनल का लिया था याद होगा। तो सोलर पैनल में क्या है, कंपोनेंट पे भी टैरिफ लगते हैं। एक सोलर पैनल अगर आप मंगाते हो तो उस पर ड्यूटी कैसे लग रही है कि सोलर पैनल पे 3,000 रुपये फिक्स कर दिया कि इतना तो टैरिफ लगेगा, प्लस अब उसके साथ जितनी भी बैटरीज इंक्लूडेड रहेगी। अब आपने 4 बैटरी उसके साथ में मंगाई कि आप ये बता रहे हो कि उसी का ही पार्ट है ये, तो लेकिन आपने 4 बैटरी मंगाई, मैंने 2 बैटरी मंगाई, आपका तो अलग से आपने एक तरीका निकाल लिया, तोड़ निकाल लिया उसका। सो 3,000 रुपये आपको सोलर पैनल पे देने पड़ेंगे और 50 रुपये हर बैटरी पे देने पड़ेंगे। दिस इज टेक्निकल टैरिफ कि कंपोनेंट जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपका टैरिफ बढ़ता जाएगा। उसके बाद में हमने देखा था टैरिफ रेट कोटास। टैरिफ रेट कोटा बहुत ही सिंपल सी बात है, कोटा डिसाइड कर लिया कि आप 10,000 तक की क्वांटिटी मंगाओगे तो आपको 10% तक का टैरिफ लगेगा, लेकिन 10,000 के ऊपर अगर आप मंगाते हो 10 से 15,000 तो आपको 15% टैरिफ लगेगा, 15 से 20,000 तक की क्वांटिटी में मंगाते हो तो 25,000 टैरिफ लगेगा, सॉरी 25% टैरिफ लगेगा। एक कोटा डिसाइड कर लिया, एक रेंज डिसाइड कर ली। मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था बैग वाला, अगर आपको याद होगा तो। सो 10,000 पे 10%, 10 से 15 में 12, 15 से 20,000 में 15%, और 20,000 के ऊपर अगर मंगाते हो तो 20% साल भर में, सो आपको ऐसा टैक्स लग गया। या फिर टैरिफ रेट कोटा ऐसे भी कर सकते हैं कि इंडिया में टोटल इंपोर्ट इतना ही होगा, सो पहले हर साल जब पहले 10,000 गुड्स मंगाए जाएंगे तो उस पर 10% का टैरिफ लगेगा, लेकिन उसके बाद टैरिफ बढ़ता जाएगा। दिस इज टैरिफ रेट कोटा। इसके बाद हमने बात की थी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ की। मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, ये WTO के मेंबर जितने भी होते हैं उनके बीच डिसाइडेड एक रेट होता है कि भैया ये सबसे ज़्यादा रेट होगा जो कि एक दूसरे की कंट्री पर लगाया जाएगा, लेट से 20%, बस हम उससे ज़्यादा फिर कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर टैरिफ नहीं लगा पाएगी। दिस इज मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ क्या होता है, अब वेरिएबल टैरिफ होता है कि सिंपल सी बात है, मान लो
दूध बिकता है इंडिया में 40 रुपए लीटर का, और बाहर से 20 रुपए लीटर का दूध इंपोर्ट होना शुरू हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि वेरिएबल टैरिफ है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हैम्पर नहीं करना है हमें। सो आप क्या करोगे, जैसे ही आपका माल आया है इंडिया में, दूध आया है, तो यहाँ 40 रुपये लीटर है, ये 20 रुपये लीटर है, इसमें 20 रुपये का और टैरिफ डाल दो, ये बन गया 40 रुपये लीटर का दूध, ये भी 40 रुपये का लीटर का दूध। अब बेचो, आपने अगली बार 30 रुपये लीटर का दूध बेचा भेजा यहाँ पे, 10 रुपये का टैरिफ लगाएंगे, 35 का भेजा तो 5 रुपये का टैरिफ लगाएंगे। इस हिसाब से टैरिफ लगाएंगे कि डोमेस्टिक प्राइसेस के ये बराबर आ जाए, इसीलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल, ये क्योंकि ये बदलेगा, ज़रूरी नहीं ये सेम रहेगा टैरिफ। इसी के साथ हमने मिक्स टैरिफ क्या क्या ख़त्म किया था, मिक्स्ड कंपाउंड टेक्निकल टैरिफ, मोस्ट फेवर्ड और वेरिएबल टैरिफ। प्रेफरेंशियल टैरिफ इज द नेक्स्ट टॉपिक। प्रेफरेंशियल टैरिफ क्या होता है, WTO के जो मेंबर्स होते हैं उसमें तो MFN टैरिफ तो होता ही है, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, लेकिन प्रेफरेंशियल टैरिफ एक दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होता है, दो या उससे ज़्यादा कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट किया हुआ होता है कि हम तीनों जो है, जैसे इंडिया, US और मान लो चाइना, हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, इंडिया, US और जापान मान लो, हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारी एक कंट्री से एक दूसरे की कंट्री में जो भी इम्पोर्ट करेगा, जो भी इम्पोर्ट किया जाएगा वो फ्री रहेगा, या तो वो उस पर कम परसेंटेज लगाएंगे। सो लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, आप इंडिया हो, मैं US हूँ, इंडिया से माल US में आता है, तो US वाला इम्पोर्ट कर रहा है, हमारे बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा। आप मेरे यहाँ पे कार बेचते हो, मैं दूसरे यहाँ से, दूसरे कंपनी से भी कार, दूसरे कंट्री से भी कार मंगवाता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं उनको 25% का या 50% का टैरिफ चार्ज करता हूँ, लेकिन आपको मैं सिर्फ 10% का टैरिफ चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ मेरा स्पेशल एग्रीमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। सो मैंने दो तीन एग्जाम्पल प्रैक्टिकल आपको बताए थे कि जो यूरोपियन यूनियन है उनकी जो 27 कंट्रीज है उनके बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें एक दूसरे की कंट्री में कुछ भी इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता। उसके बाद में एक और एग्रीमेंट है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें कैनेडा, मैक्सिको और USA, ये तीन कंट्रीज कवर होती है, इन तीन कंट्रीज के बीच में कोई भी इम्पोर्ट होता है तो कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता। और एक और तरीका होता है यूनिलैटरल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। यूनिलैटरल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने बोला हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, US और इंडिया के बीच में, तो उसमें कैसा हो रहा है कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के इम्पोर्ट पे कोई टैरिफ नहीं लगा रही है, कम टैरिफ लगा रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो रिच कंट्रीज होती है जैसे कि US हो गई, और जो पुअर कंट्रीज होती है जैसे कि बांग्लादेश हो गई मान लो, या श्रीलंका हो गई, तो बांग्लादेश के यहाँ से अगर इम्पोर्ट हुआ तो हम उनको कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। मैं मदद करना चाहता हूँ पूर कंट्रीज़ की, तो ये एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे जो पहले था इंडिया और US का, ये बायलैटरल था जिसमें इंडिया से इम्पोर्ट अगर US ने किया तो भी कोई नहीं लगेगा, US से इंडिया में हुआ तो भी टैरिफ नहीं लगेगा, लेट्स से, या कम लगेगा। लेकिन ये जो बांग्लादेश के साथ किया, ये एक तरफा है कि बांग्लादेश ने अगर कुछ मेरे यहाँ पे भेजा, US ने अगर इम्पोर्ट किया तो कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, भले ही बाद में US अगर एक्सपोर्ट कर रही है बांग्लादेश में तो शायद बांग्लादेश टैरिफ लगा दे, क्योंकि यहाँ पे रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज की हेल्प करती है। बाउंड टैरिफ क्या होता है, बाउंड टैरिफ एक तरह का मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ है जो कि एक मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ ये सारे मेंबर्स के बीच में एक डिसाइडेड रेट था, लेकिन बाउंड टैरिफ कमोडिटी टू कमोडिटी डिसाइडेड रेट होगा, उससे ज्यादा कोई कंट्री दूसरे कंट्री को उस कमोडिटी के लिए चार्ज नहीं कर सकती। उसके बाद में अप्लाइड टैरिफ, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इंडिया और ब्रिटेन के बीच में गेहूं का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डिसीजन लिया गया। सो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा और इंग्लैंड क्या करेगा, इम्पोर्ट करेगा गेहूं, और जैसे ही इंग्लैंड इम्पोर्ट करेगा, इंग्लैंड उस पर बाउंड, इंग्लैंड का और इंडिया का एग्रीमेंट ऐसा है कि बाउंड टैरिफ 10% है, यानी कि इंग्लैंड 10% से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकता इंडिया के इम्पोर्ट्स पे, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं लगा सकता, तो कम तो लगा सकता है। सो जब भी एक्चुअल में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था और इंग्लैंड ने इंपोर्ट किया था, तो इंग्लैंड ने 8% लगाया था 2017-2016 में मान लो, फॉर एग्जांपल, तो जो एक्चुअल रेट लगाया है उसको बोलते हैं अप्लाइड टैरिफ। बाउंड टैरिफ अलग चीज़ होगी जो कि दोनों के बीच में है, और एक्चुअल जो लगा वो अप्लाइड हो गया। अब यह है एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ के बारे में हमने डिस्कशन किया था और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, ध्यान देना क्या है एस्केलेटेड टैरिफ क्या होता है। रॉ मटेरियल अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो रॉ मटेरियल पे कम टैरिफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वो गुड्स, फिनिश गुड्स बनता जाएगा तो सब टैरिफ बढ़ता जाएगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर रॉ मटेरियल आपके देश में आता है, कार है मान लो, एक साइड ये है कि पूरी की पूरी कार बना के US ने आपको भेज दी या जर्मनी ने आपको भेज दी कार बना के, लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी ने रॉ मटेरियल भेज दिया, टायर ले लो, चेसिस ले लो, इंजन ले लो, चाय पी लो। अच्छा, फॉर एन एग्जांपल, तो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, जब रॉ मटेरियल आ रहा, रॉ मटेरियल आने के बाद में
आपकी कंट्री में वो असेंबल होगा, वो बनाया जाएगा, तो उसके लिए क्या एम्प्लॉयज लगेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो रॉ मटेरियल अगर इंडिया में आता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इंडिया में, तो इसीलिए रॉ मटेरियल पे कम लगाया गया है टैरिफ। लेकिन कार जब पूरी की पूरी बन के आती है, कार जब पूरी की पूरी बन के आती है, तो वो उसमें और कुछ नहीं करना होता, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना कुछ होता है, डायरेक्ट कस्टमर के पास में जाएगी शोरूम से। तो इसीलिए कार से तो हमको कोई फायदा ही नहीं हो रहा हमारी कंट्री को, तो कार पे ज्यादा टैरिफ लगता है, एस्केलेटेड टैरिफ। जैसे जैसे वो फिनिश गुड्स की तरफ बढ़ता जाएगा उस पर टैरिफ बढ़ता जाएगा। लेट से किसी भी गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स पे कंप्लीट होने के लिए चार अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। सो सबसे नीचे की जो स्टेज रहेगी उस पर सबसे कम टैरिफ रहेगा, और फिर टैरिफ बढ़ेगा, फिर टैरिफ बढ़ेगा, और जब फिनिश गुड्स बन जाएगा फिर टैरिफ बढ़ेगा। सो दिस इज एस्केलेटेड टैरिफ, प्रोहिबिटिव टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ यानी कि इतना ज्यादा टैरिफ लगा दो, बैन अगर नहीं लगा सकते तो इतना ज्यादा टैरिफ लगा दो कि अपने आप ही उस गुड्स को इंपोर्ट कोई ना कर पाए। सो तकरीबन तकरीबन 900% का टैरिफ रेट लगा दो, 100 रुपये का गुड्स है, 900% यानी 900 रुपये और लगा दो, 1000 रुपये में वो गुड्स बिकेगा फिर इंडिया में। 100 रुपये की चीज अपने आप ही कोई 1000 रुपये में मतलब इम्पोर्ट करवाएगा ही नहीं उस चीज़ को। सो एक तरह से वो बैन लगाना हो गया, लेकिन एग्जैक्टली बैन नहीं है, दिस इज प्रोहिबिटिव टैरिफ। आना है ले लो, अभी भी अगर किसी को 1000 रुपये में चलता तो चलेगा, ले लो। उसके बाद होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज इंपोर्ट सब्सिडीज। इंपोर्ट सब्सिडीज क्या होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिया को ज़रूरत होती है बाहर वाले देशों से मंगवाने की, तो ऐसे गुड्स पे इंडिया सब्सिडी देती है कि भैया अगर आप ऐसे गुड्स इम्पोर्ट करवाते हो तो हम आपको सब्सिडी देंगे। सो इससे ये एंटी, ये निगेटिव इम्पोर्ट टैरिफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने टैरिफ के मेजर्स देखे उसमें कॉस्टिंग जो है फाइनल प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, टैक्सेस अलग से देना पड़ता है, यहाँ पे तो हमारी कॉस्टिंग कम होती है। सो 12 तरीके हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। अब दूसरी चीज़ थी आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये आता है आपका टैरिफ एज रिस्पॉन्स और टैरिफ एज डिस्टॉर्शन। जहाँ पे भी दूसरी कंट्रीज गलत तरीके अपनाने लग जाती है अपनी चीज़ों को दूसरी कंट्री में डंप करने का, या गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाने लग जाती है, वहाँ पर ये चीज़ें काम आती है। सो टैरिफ एज रिस्पॉन्स और टैरिफ एज डिस्टॉर्शन में दो चीज़ें आएगी आपकी, आपके आएगा एक तो एंटी डंपिंग ड्यूटी और दूसरा आएगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी मान लो चाइना, चाइना स्टील के प्रोडक्ट्स, स्टील के गुड्स इंडिया में मान लो 1000 रुपये के रेट से बेच रहा है, जबकि इंडिया के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी लागत ही 1250 रुपये है और वो 1500 रुपये में बेचते हैं। सो जो इंडिया में चीज़ 1500 की बिक रही है वो चाइना वाले 1000 रुपये में बेच रहे हैं, इतनी कम कीमत में बेच रहे हैं कि भैया इंडिया का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसकी वो हैम्पर हो रही है, वो अफेक्ट हो रही है, वो सफ़र कर रही है, वो बंद हो सकती है। तो वो बंद नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री चलना चाहिए। इसके लिए ये जो है गवर्नमेंट कंफर्म करेगी कि क्या ये डंप किया जा रहा है हमारे देश में इतना स्टील और ऑल दैट थिंग। जहाँ पे भी ये डंपिंग कंफर्म की जाएगी वहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी। सो चाइना के प्रोडक्ट जैसे ही 1000 रुपये में आएंगे उस पर 50% का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया, तो अब 1000 का आया, 1000 रुपये 50% 1500, तो चाइना का भी प्रोडक्ट इंडिया में 1500 का बिकेगा, इंडियन डोमेस्टिक जो है मतलब सॉरी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनका भी 1500 में बिक रहा। इस तरह से जहाँ पे भी गलत तरीके अपनाने लग जाएंगे, क्या होता है ना बहुत सारी कंट्रीज ऐसे करती है कि पहले मार्केट इंडिया का जो है वो मार्केट ख़राब करेगी, इतने कम रेट में माल बेचेगी सेम का सेम कि जो कंपटीटर्स है वो बंद हो जाएंगे, दुकानें बंद हो गई उनकी, अब क्या हो गया। तो इसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी यूज़ की जाती है। दूसरा काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अब क्या होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, मैं चाइना से हूँ आप इंडिया से हूँ, एक्सपोर्ट करने के लिए मेरी गवर्नमेंट मेरे को सब्सिडी देती है। इंडिया में आप ये माल इतना भेजोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। 100 करोड़ का माल भेजा, 10 करोड़ की सब्सिडी मेरे को गवर्नमेंट से मिली। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही, ध्यान देना, इंडिया में वो 100 रुपये की प्राइस में ही बिकता है, मैंने भी 100 रुपये की प्राइस में ही भेजा तो ठीक है, डंपिंग तो कहलाएगा नहीं है तो। लेकिन जब मैंने आपको 100 रुपये में भेजा तो गवर्नमेंट, मेरी गवर्नमेंट ने मेरे को 10 रुपये वापस किए, सब्सिडी दी, तो इससे तो मैं और भेजता जाऊंगा। एक तरह से ये भी गलत तरीका है। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगी उस इंपोर्ट के प्रोडक्ट पे। सो जो मेरे को यहाँ पे बेनिफिट मिला है, चाइनीज़ कंपनी को चाइना में जो बेनिफिट मिला है एक्सपोर्ट करने का, उस बेनिफिट को ख़त्म कर दिया जाएगा इंडिया द्वारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सो इसके साथ हमने सारे 14 चीज़ें खत्म की थी, 2 चीज़ें ये, 14 चीज़ें ये, और अब आती है बारी 7 अलग अलग इफेक्ट्स के बारे में बात करने की कि इफेक्ट्स क्या है। सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टैरिफ, जब भी कभी इंपोर्ट पे टैरिफ लगाया जाता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आप अगर सोचो ज़रा सा।
जैसे ही इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिया गया, इंपोर्ट पे आपने टैरिफ लगाया, सबसे पहले जैसे ही इंपोर्ट पे टैरिफ लगता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है। इंपोर्ट पे टैरिफ लगाने के लिए बाद अच्छी चीज़, यह चीज़ अच्छी किसके लिए है? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए, कि ये इंपोर्ट अब कम होगा, टैरिफ लगने की वजह से इंपोर्ट कम होगा तो हमारा माल जो हम इंडिया में बना रहे हैं और बेच रहे हैं वो ज़्यादा बिकेगा। सो तीन चीज़ें प्रोड्यूसर की याद रखना, ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है इनका हमने इंटरेस्ट, इनको प्रोटेक्ट किया टैरिफ लगा के, नहीं तो क्या ये माल बाहर से आता जाता तो ये लोग बंद हो जाते, दुकानें बंद हो जाती इनकी, अगर इतने सस्ते में माल इंडिया में बेचने देते। सो सबसे पहले एक तो गवर्नमेंट रेवेन्यू, दूसरा मैंने बताया आपको प्रोटेक्ट किया हमने इंटरेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, उसके बाद डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का सरप्लस बढ़ा है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? आउटपुट बढ़ाना पड़ता है, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, इंक्रीज इन द सरप्लस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तीन चीज़ें और। सो एक चीज़ थी गवर्नमेंट रेवेन्यू, तीन चीज़ें प्रोड्यूसर के लिए, चौथी चीज़ कंज्यूमर को, कंज्यूमर सरप्लस का लॉस होता है। 100 रुपये में वो चीज़ आके मार्केट में कंज्यूमर खरीद सकता था लेकिन उस पर टैरिफ लग गई, वो चीज़ 150 की बन गई, प्रोड्यूसर्स जो इंडिया के वो भी 150 में बेच रहे, ये भी 150 की बन गई, कंज्यूमर को 150 में ही खरीदना पड़ रहा है जो चीज़ वो 100 रुपये में खरीद सकता था। सो देर इज़ अ लॉस ऑफ कंज्यूमर, ये हो गई मेरी पांचवी चीज़। अब दो चीज़ें और बताता हूँ, क्योंकि टैरिफ लगता है तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड ये अब फ्री नहीं रहा, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, और दूसरा डिस्टॉर्शन बोलते हैं उसको, सो देर विल बी अ डिस्टॉर्शन इन द इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, ये रिड्यूसेस द इंटरनेशनल ट्रेड, इफेक्ट क्या है? पहला कि टैरिफ लगाने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में कमी आती है, हमने प्रोटेक्ट किया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और उसके बाद में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का सरप्लस बढ़ा, ये चीज़ें तीनों चीज़ें डोमेस्टिक से रिलेटेड, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा, कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हुआ, और उसके बाद में ट्रेड डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ। ओके, सो फाइनली वी हैव एंडेड विद द फॉर्म्स वेरिएशन एंड इफेक्ट्स। नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ द नॉन टैरिफ मेजर। नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं? नॉन टैरिफ मेजर्स डायरेक्टली प्राइस पे इंपैक्ट नहीं डालते जैसे कि टैरिफ मेजर्स डालते थे। टैरिफ मेजर में हमने 20% लगा दिया, 100 रुपये लगा दिया, 200 रुपये लगा दिया, ये सब चीज़ें देखा, लेकिन अब हम प्राइस की बात नहीं करेंगे, हम दूसरे तौर तरीके अपनाएंगे। नॉन टैरिफ मेजर्स में दूसरे तौर तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि इंपोर्ट पे एक हद तक रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शुरू करने के पहले मैं आपको बताता हूँ, बैन लगा देना। अब बैन लगा देना डायरेक्ट प्राइस पे इंपैक्ट नहीं डालता, लेकिन इंपोर्ट तो खत्म कर ही दिया ना, रिस्ट्रिक्ट कर ही दिया। सो नॉन टैरिफ मेजर्स आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है टेक्निकल मेजर और एक तो होता है नॉन टेक्निकल मेजर। टेक्निकल मेजर क्या है? टेक्निकल मेजर में सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर आता है, और एक तो आता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स किस चीज़ के लिए? सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स ये जो एग्रीमेंट WTO के तहत होता है, ये आपका इंश्योर करता है कि ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ आपके कंट्री में प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये एक्शन ले सकते हो। और कौन सा एक्शन? जैसे कि इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। अगर आपकी कंट्री ये प्रूव कर पाती है कि इस गुड्स के इंपोर्ट से यहाँ पे एनिमल लाइफ को धोखा है, प्लांट लाइफ को धोखा है, ह्यूमन लाइफ को धोखा है, हेल्थ को धोखा है, तो आप इस पे बैन लगा सकते हो। दिस इज व्हाट द सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स आर। बहुत डिटेल में है, आपने सिलेबस में इतना कवर नहीं है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। इसके अलावा ये भी नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट्स आप सेटअप कर सकते हो कि ये फूड अगर आ रहा है इंडिया में तो इसकी ये प्रोसीजर है, ये फॉलो करनी पड़ेगी, तभी ये क्लियर होगा। दिस इज सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर। टेक्निकल मेजर्स क्या होता है? टेक्निकल मेजर्स क्या होता है? आप ऐसे मेजर्स डाल दो, रिस्ट्रिक्शन डाल दो, आपकी कंट्री ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाल देगी इंपोर्ट पे। जैसे कि अगर मिल्क आ रहा है, सो मिल्क कौन सी क्वालिटी का है, कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, क्या क्वांटिटी में आ रहा है, ऐसा लेबलिंग कैसे की गई है, पैकेजिंग कैसे की गई है, ये सब मैटर करता है। सो हमको पैकेजिंग ऐसी चाहिए, लेबलिंग ऐसी चाहिए, हमको प्रोडक्शन ऐसे कंडीशन में होना चाहिए, कितने डिग्री में उसको प्रोसेस किया गया, एंड ऑल दैट। ये जब आप इंश्योर करते हो, सो फूड के केस में हो गया, फिश के केस में हो गया, और कई सारे फूड प्रोडक्ट्स जो हो गए उनके केस में हो गया, अदरवाइज नॉन फूड प्रोडक्ट्स में भी अप्लीकेबल है कि क्या साइज का आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है साइज क्या है, शेप क्या है, डिज़ाइन क्या है, लेबलिंग क्या है, मार्केटिंग, पैकिंग, मार्किंग, पैकिंग, फंक्शनलिटी क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोडक्शन कैसे किया गया है, हाइजीनिक है कि नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन में प्रोड्यूस किया गया, प्रोसेस किया गया, स्टोर किया गया है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जब कंडीशन आप लगा देते हो तो दैट कम्स टू द टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। सो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे खत्म होती है टेक्निकल। सब बात करते हैं नॉन टेक्निकल मेजर्स की। नॉन टेक्निकल मेजर्स कितने तरह के? सर 13 तरह के हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा यानी कि क्या हुआ? इंपोर्ट पे ही आपने एक कोटा डिसाइड कर लिया कि 10,000 के ऊपर का माल आएगा ही नहीं,
एक तरह से वो टैरिफ रेट कोटा ही हो गया. लेकिन टैरिफ रेट कोटा में क्या था, जो टैरिफ मेजर हमने देखे थे कि 10,000 तक माल आया तो उस पर 20% टैरिफ लगेगा, उसके ऊपर आया तो 30% लगेगा, उसके ऊपर आया तो 40% लगेगा. यहाँ पे वो परसेंटेज वाली बात नहीं है, यहाँ पे फिक्स कर लिया कि भैया साल भर में 1,00,000 यूनिट से ज़्यादा आएगा ही नहीं. सो एक तरह से आपने ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया. इसके मैंने कई सारे एग्जांपल लिए थे फिश से रिलेटेड ऑन ऑल दैट. उसके बाद में प्राइस कंट्रोल मेजर. प्राइस कंट्रोल मेजर का मतलब ये हो गया कि मिनिमम प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे टेक्सटाइल आया, इंडिया में इंपोर्ट किया गया, तो एक ये मिनिमम प्राइस पे आएगा. इसके नीचे के प्राइस पे अगर टेक्सटाइल आना है तो बैन है, मतलब आ ही नहीं सकता. सो मिनिमम इंपोर्ट की प्राइस एस्टैब्लिश कर लो फैब्रिक के और अप्रैल के लिए, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जा सके. उसके बाद में नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशंस थे, यानी कि कुछ गुड्स पे प्रोहिबिट कर दो कि ये गुड्स तो इंपोर्ट किए ही नहीं जा सकते, एक तरह से बैन हो गया. और दूसरा लाइसेंसिंग, जैसे कि गन लेके आना, अब गन इंपोर्ट नहीं कराया जा सकता, दिस इज प्रोहिबिटेड. ठीक है, बैन लगाना बात अलग होती है. बैन लगाना यानी कि पहले आता था अब नहीं आता, अब उस पर बैन लग गया. लेकिन प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि पहले से ही उसको मना करके रखा है कि गन, बारूद, गोला और ये जो आर्म्स एंड एमिनेशन है, ये कोई भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, दिस इज प्रोहिबिशन. और तीसरी चीज़ आती है लाइसेंसिंग, जैसे कि ऑयल अगर इंपोर्ट करते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस लगता है. कई सारी चीज़ें ऐसी है जिसके लिए लाइसेंस लगेगा, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली आप इंपोर्ट करते जाओगे. सो दिस कम्स अंडर द नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन. उसके बाद में फाइनेंशियल मेजर. फाइनेंशियल मेजर में हमने देखा था कि किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज के लिए फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है इंपोर्ट के केस में. कंडीशन ऐसी डाली जा सकती है कि आप अगर ये गुड इंपोर्ट करा रहे हो तो 3 महीने पहले ही आपको उसका एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, या 50% एडवांस पेमेंट 3 महीने पहले ही करना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल मेजर इज. फाइनेंशियल मेजर अफेक्टिंग, सॉरी, मेजर्स अफेक्टिंग द कंपटीशन. कंपटीशन के टाइम पे ऐसा डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट क्या करती है ना, कुछ कुछ चीज़ों का इंपोर्ट जो है स्पेसिफिक इंडस्ट्री को दे देगी. जैसे गेहूं है, अब आप और मेरे जैसे लोग गेहूं इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट करेगी. गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या बोर्ड सेटअप किया कि भैया उसको पूरे के पूरे राइट देकर रखिए कि जब भी कभी इंपोर्ट करने की बात आएगी गेहूं को, तो सिर्फ आप ही करोगे. ये हो गया भैया, कंपटीशन को अफेक्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी. कंपटीशन एक हेल्थी कंपटीशन बनाए रखना चाहिए, उसके लिए मेजर्स लिए जाते हैं. उसके बाद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है. गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाव करने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए क्या डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट को जितना भी परचेसेस की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट हमेशा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से खरीदेगी. तो गवर्नमेंट को अगर दूध की जरूरत पड़ती तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक लोग हैं उनसे दूध खरीदेगी, भले ही वो दूध इंपोर्ट किए हुए दूध से महंगा आ रहा हो. सो इंपोर्ट वैसे ही कम हो गया आपका. गवर्नमेंट को अगर फर्नीचर खरीदना है तो इंडिया में बना हुआ फर्नीचर खरीदेगी, इंडिया में बनी हुई कार खरीदेगी, इंडिया में बने हुए पंखे खरीदे जाएंगे, बाहर से मंगाए हुए पंखे नहीं खरीदे जाएंगे. उसके बाद में ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स की बात करते हैं. ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर में गवर्नमेंट यह रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि जो भी कार आप इंडिया में बना रहे हो उसका 75% रॉ मटेरियल, 75% रॉ मटेरियल इंडिया में ही प्रोड्यूस किया हुआ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस आपने कार बाहर से रॉ मटेरियल सारा मंगा लिया, यहाँ असेंबल करके भेज दी. आपने टायर बाहर से मंगा लिया, आपने चेसिस बाहर से मंगा लिया, इंजन बाहर से मंगा लिया, आपने उसके सीट एंड ऑल दैट सब बाहर से मंगा लिया और यहाँ पे आके असेंबल करके भेज दिया. ऐसा नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाव करना है, ठीक है, तो वो चाहेगी कि जो भी कार आप मैन्युफैक्चर करोगे उसके 70% हिस्सा इंडिया में ही प्रोड्यूस किया हुआ होना चाहिए. तो टायर भी इंडिया में बना हुआ होना चाहिए, चेसिस, इंजन, सब कुछ इंडिया में बना हुआ होना चाहिए. पॉसिबल है तो, ऐसा नहीं कि अगर ये बनाया ही नहीं जाता इंडिया में फिर भी आप रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो कि इंडिया में बनना चाहिए. अरे बनाया नहीं जाता, हम बनाएंगे कहाँ से? वो बनता है इंडिया में, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है हमको, इसीलिए हम चाहते हैं मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाना है. तो हम चाहते हैं कि 70% आपकी कार का इंडिया में बना हुआ माल लगना चाहिए, उसमें बाहर का 30% आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो. एक ये मेजर हो गया. दूसरा मेजर ये था कि आपने पिछले साल जितना एक्सपोर्ट किया होगा उसका सिर्फ 80% ही इंडिया में इंपोर्ट कर पाओगे इस साल, तो इससे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है इंपोर्ट करने पर. आप एक्सपोर्ट बढ़ाते जाओ तो इंपोर्ट अपने आप अगले साल बढ़ेगा. डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस. डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस में क्या होता है, जैसे टीवी का मैंने, सॉरी, इसका एग्जांपल मैंने लिया था, आपके जो बेवरेजेस होते हैं, जितना भी इंपोर्टेड बेवरेज होगा गवर्नमेंट ने रूल लेके आ गए कि भैया ये इंपोर्टेड बेवरेज सिर्फ उसी सिटी में बिकेगा जिस सिटी में रिसाइकिल करने की फैसिलिटी है. जहाँ पर रिसाइकिल करने की फैसिलिटी नहीं वहाँ बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो डिमांड नहीं, डिमांड नहीं तो इम्पोर्ट ही कम होगा.
उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन ऑन द पोस्ट सेल सर्विस। टीवी का एग्जांपल मैंने आपको लिया था कि अगर आप इंपोर्ट करवाते हो टीवी और इंपोर्ट टीवी बेच दी गई, जब टीवी में कुछ खराबी आएगी तो पोस्ट सेल सर्विस जो है कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री ही करेगी। एलजी का टीवी मंगाया तो एलजी के लोग इंडिया में आके काम नहीं करेंगे, एलजी के लोग इंडिया में सर्विसेज नहीं देंगे, एलजी को किसी और के साथ टाई अप करना पड़ेगा, इंडियन कंपनी के साथ में, जो कि पोस्ट सेल सर्विस देगी। इससे क्या हुआ, इंडिया के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, तभी तो हम इंपोर्ट अलाउ करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक तरह से ऐसी प्रोसीजर्स होती है जिसमें आप अननेसेसरी इंपोर्टर को परेशान कर देते हो। एक तो करप्शन होता है, दूसरा होता है कि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कागज वाला काम और जानबूझ के डिले किया जाता है जिससे इंपोर्टर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इंपोर्ट करने वाला, अगर मैं बाहर से कुछ माल मंगा रहा हूँ और कस्टम में मेरा माल फंसा हुआ है बहुत टाइम से, सब चीज़ें मैंने पूरी कर ली फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा, सो इससे मार्केट खराब होगा, और इससे मार्केट खराब मतलब इंपोर्टर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और इंपोर्टर अब आगे इंपोर्ट ही नहीं मंगाएगा, इंपोर्ट करेगा ही नहीं बेसिकली। सो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। रूल्स ऑफ ओरिजिन, रूल्स ऑफ ओरिजिन में मैंने आपको बताया था प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया और यूएस के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कि यूएस अगर इंडिया से कुछ भी इंपोर्ट करेगा तो 10% का टैरिफ लगाएगा कार पे, और दूसरी कंट्री पे 25% का टैरिफ लगा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार ऐसा होगा कि जर्मनी वाला इंडिया को, इंडिया में कार भेजेगा किसी कंपनी को और इंडिया की कंपनी यूएस में भेजेगी। सो यहां से अगर रूट हुआ है तो अपने आप ही उसी उस कार पे 10% लगा सिर्फ टैरिफ, अगर जर्मनी से डायरेक्ट आता तो 25% लगता। तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन, एग्जैक्टली कहां ओरिजिन किया गया है ये गुड्स, ये पता लगाया जाएगा। अगर दूसरी कंट्री से आता तो दो देशों के बीच में रूल, आपके जो है ये रिलेशन है ये खराब होते हैं। सो देर आर प्रोसीजर जिससे पता लगाया जा सकता है इजीली, इतना डिफिकल्ट नहीं जाता। सेफगार्ड मेजर ऐसे मेजर्स होते हैं जो कि कंट्री इंपोर्ट्स पे लगाती है, अगर लगता है कि इंपोर्ट करने की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो उसको, उससे बचने के लिए आपका बैन लगाया जा सकता है टेम्परेरी पीरियड के लिए। उसके बाद एम्बार्गोज, एम्बार्गोज एक एक्सट्रीम लेवल है मेजर का, नॉन टैरिफ मेजर का, जो कि एक्चुअल में बहुत कम लगाया जाएगा। अगर लगाया दिए तो दोनों कंट्री के बीच में जब रिलेशन खराब होते हैं, दोनों कंट्री के बीच में जब युद्ध चल रहा होता है, वॉर चल रही होती है, तो ट्रेड रिलेशन अगर खराब है तो ऐसे टाइम पे एम्बार्गोज की कंडीशन आती है। एम्बार्गोज की कंडीशन का मतलब क्या है कि एम्बार्गोज इज अ काइंड ऑफ टोटल बैन, इम्पोर्ट भी नहीं होगा, एक्सपोर्ट भी नहीं होगा कोई भी गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, क्योंकि हमारे देश के बीच में अभी रिलेशन उतने अच्छे रहे नहीं है, इसलिए टेम्पररीली हमने ये बैन लगा दिया। जब सिचुएशन सुधरेगी, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का चलता रहता है, तो इतने फ्रीक्वेंटली हम पाकिस्तान और इंडिया का जो लोग हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, कई सारी चीज़ों पे बैन लगा हुआ है, हार्डली कुछ चीज़ें होंगी क्योंकि रिलेशन थोड़े खराब हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन टैरिफ मेजर। उसके बाद में चार एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर हमने डिस्कस की थी। बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जितना भी हमने डिस्कस किया इसमें मैक्सिमम इंपोर्ट से रिलेटेड था, लेकिन एक्सपोर्ट में भी कुछ होता है। सो एक्सपोर्ट रिलेटेड टैरिफ और एक्सपोर्ट रिलेटेड नॉन टैरिफ, इन चार चीज़ों में खत्म कर देंगे। सबसे पहले बैन और रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स। कई बार अगर इंडिया चाहती है, इंडियन कंट्री, जैसे कि ऑनियन है, ऑनियन ले लो, अब ऑनियन की डोमेस्टिक सप्लाई ही कम है तो इंडिया क्या करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करने देगा उसको, बैन ऑन एक्सपोर्ट, ताकि जितना भी ऑनियन है वो सिर्फ इंडिया में ही यूज़ किया जाए, इंडिया में सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर ऑनियन की पहले शॉर्टेज थी इंडिया में तो कंट्री एक्सपोर्ट करने देगी क्या, एक्सपोर्ट पे बैन लगा देगी। तो अब जितना भी एक्सपोर्ट के लिए अलग से माल निकाला गया था वो भी कहाँ सप्लाई होगा, डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई होगा, उससे डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगा तो उससे प्राइसेस कंट्रोल की जा सकती है। मान लो 100 क्वांटिटी है, 100 में से 50 आप एक्सपोर्ट करते हो और 50 डोमेस्टिक में सेल करते हो, और डोमेस्टिक में डिमांड 80 की है तो 30 की डिमांड की शॉर्टेज है, यानी इंडिया में ऑनियन की शॉर्टेज है। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो 50 बिक रहा है इंडिया में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और ये कंट्रोल करने के लिए इंडिया क्या करेगा, बैन लगा देगा एक्सपोर्ट पे। तो अब 100 का 100 माल पूरा इंडिया में ही बिकेगा और डिमांड कितनी, 80 ही है, उससे प्राइसेस कम हो जाएगी। दूसरी चीज होती है फार्मास्यूटिकल, मतलब रिस्ट्रिक्शन अगर डालें तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ये रूल लेके आ गए। एक है एक्सपोर्ट टैक्सेस, भले ही प्रैक्टिकली कम होता है लेकिन अगर इंडिया किसी चीज के एक्सपोर्ट को रोकना चाहती है, बैन नहीं लगा सकती, कम करना चाहती है, तो उस पर टैक्सेस बढ़ा देगी। उस टैक्सेस लगाने का एक मेजर रीजन होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना। एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स, कई बार क्या होता है, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री में तो वो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, अब एक्सपोर्ट को तो गवर्नमेंट, मेरी गवर्नमेंट प्रमोट करती है, लेकिन दूसरी कंट्री में तो ये इंपोर्ट कहलाएगा। ये इंपोर्ट जब हुआ तो इंपोर्ट के टैरिफ लगा दिए, नॉन टैरिफ मेजर लगा दिए जो हमने अभी तक देखे। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोर्टर की अल्टीमेट कॉस्ट बढ़ जाती है। यहाँ से 100 रुपये में माल जाता है, यहाँ पे 125 रुपये बन जाता है। सो एक्सपोर्टर को एक तरह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और एक्सपोर्टर की ये जो कॉस्टिंग बढ़ी उसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट, एक्सपोर्टर की गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है, कुछ फैसिलिटीज़ देती है। जैसे सब्सिडी देती है, इसका मतलब 10% हम आपको वापस कर देंगे, 100 रुपये का माल बेचो हम आपको
90 रुपए में, 90 रुपए मतलब 10 रुपए वापस कर देंगे, एक सब्सिडी हो गया। दूसरा इंसेंटिव देती है कि आप 5 साल तक यूएस में एक्सपोर्ट करते जाओ और एक्सपोर्ट की जितनी भी इनकम है वो सारी टैक्स फ्री कर दी हमने, कितना अच्छा है। सो ऐसे इंसेंटिव दिए जाते हैं कंपनसेट करने के लिए। और लास्ट टॉपिक है आपका वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये वाली कंट्री है इंडिया, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है यूएस में, यूएस में एक्सपोर्ट होता है तो यूएस में इम्पोर्ट हो गया, ये यूएस का इम्पोर्ट हो गया ये चीज़। जैसे ही कार एक्सपोर्ट होना शुरू हुई इंडिया से और यूएस में इम्पोर्ट होना शुरू हुई, जैसे ही कार यहाँ पे आती है तो ये कार यूएस के मार्केट में बिकेगी। अब यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स है कार जो बनाते हैं, इन लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि बाहर से कार आके बिक रही है तो हमारी कारें कम बिकेगी। अब इसकी वजह से दबाव बनेगा कंट्री पे यूएस पे कि भैया इम्पोर्ट कम करो। अब यूएस क्या करेगा, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन करेगा कि भैया देखो आपके यहाँ से हमारे यहाँ पे कार आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी में आनी चाहिए, या तो हम बैन लगा दें, या तो हम रिस्ट्रिक्शन डाल दें, या तो आप डाल दो। हमने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि भैया साल भर में सिर्फ 1 लाख कार आएगी यूएस में इंडिया से, तो ठीक है 1 लाख से ज़्यादा आप ये नहीं कर पाओगे, ये इम्पोर्ट टैरिफ हो गया, एक तरह से नॉन टैरिफ मेजर है इम्पोर्ट का। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, जनरली एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए खुद नहीं लगाते हुए, यहाँ पे खुद रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते हुए इसी गवर्नमेंट को बोल दिया एक्सपोर्टिंग कंट्री को, आप ही कुछ कर लो। सो एक्सपोर्टिंग कंट्री जब कार एक्सपोर्ट की जाएगी तभी कोटा फिक्स कर लेगी, इससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से ज़्यादा जा ही नहीं रहा, तो रूल भी मैंने ही बना लिया तो मेरे ही कंट्रोल में वो रूल रहेगा। और ये एक अच्छी चीज़ है कि अपन ही कंट्रोल कर ले दूसरे वाले हमारे पे रूल लगाने के पहले। दिस इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन, खुद ही होके आपने एक्सपोर्ट कम कर दिया अपना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर। रिवाइज करने के लिए मैं फिर से आपको एक चीज बताता हूँ, टैरिफ में दो फॉर्म है, तीन चीजें देखी आपने, दो फॉर्म है आपके, 14 मेजर्स है और 7 इफेक्ट है। नॉन टैरिफ मेजर में 2 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होता है, और उसके अंदर में एक में 2 टेक्निकल मेजर्स है और एक में 13 आपके नॉन टेक्निकल मेजर्स है, और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स कितने, 4। इसी तरह से हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी का। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू यूनिट इन दिस चैप्टर। बाय बाय।